यू हैव अंडरस्टूड, सब समझ गए? कुछ बोल सकते हो क्या सर? बोलिए बोलिए। सर जो शादी के समय हमारा स्त्री धन गया हुआ था वो मुझे रिटर्न चाहिए था सर, वो अभी तक मुझे मिला नहीं है और मेरा पूरा गोल्ड रखा हुआ है सर बैंक के लॉकर में। अभी एट अ प्रेजेंट मेरे पास अभी कुछ नहीं है सर, तो इन फ्यूचर बेटी की शादी करूंगी तो कुछ तो मेरे काम आएगा सर, प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट सर, ओनली दिस वन। व्हाट डू यू से? ले जा सकती सर, अलमारी तो बंद है उनका, आई है उस समय से अलमारी बंद। लॉकर कहाँ है, कौन से लॉकर? सर लॉकर तो मतलब बैंक में है इन लोगों के और ऑल द ज्वेलरीज आर पुट देयर। कहाँ, बैंक में? यस सर। आप किस बैंक में है? ये लोग, इन लोग मुझे कभी बताया नहीं सर, इन लोगों की नॉलेज में है। बैंक में नहीं है सर, इनका खुद का अलमारी है जो मिला था, उनका चाबी उन्हीं के पास है। क्या लाई, क्या ले गई, क्या है अलमारी में, इसकी हमको जानकारी नहीं है, चाबी इन्हीं के पास है। बैंक में लॉकर नहीं है आपका कहीं? नहीं सर। इनके नाम पे भी नहीं है लॉकर? नहीं सर। सर शादी के समय इन्होंने उन्हें रख लिया था जो कि मेरे नाम पे नहीं है सर, अब ये इनकी ये मतलब तो बता रहे हैं लॉकर नहीं है इनके नाम पे। सर मेरे से तो यही बोलकर लिया गया था सर कि सारी ज्वेलरी हम लॉकर में रखेंगे, उस समय मुझे जो सही लगा सर मैंने दे दिया इनकी बात को सच मानकर। वो उस टाइम पे अब उसके लिए यू हैव अ सेपरेट प्रोसीडिंग फॉर योर रिकवरी रिधन। लिखे नहीं आप? कंडीशन में भी नहीं है, कंडीशन में लिखे नहीं है तो आप कोई उसके लिए फिर सेपरेट प्रोसीडिंग चालू होगा। आप अलमारी छोड़ दीजिए, वहां से उठा लेंगे, ये अलमारी में भी रखा है तो। जी बिल्कुल ले जाए सर। हाँ हम तो पहले भी बोले हैं सर, मेरा हाँ? सारा सामान है सर शादी का, वो तो गया हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रही सर। शादी के सामान के साथ जो जो गोल्ड की ज्वेलरी मिली है सर, सिल्वर की ज्वेलरी मेरे यहाँ। देखिए ऑर्नामेंट्स का ये है कि देश है कि वी डोंट हैव अ लॉकर, क्या वी कांट सर, वी कांट से दैट। हाँ दैट्स द प्रॉब्लम, देश है वी डोंट हैव लॉकर, और इफ यू हैव अ लॉकर इन सम बैंक इफ यू फाइंड आउट then should you not be, आप करते क्या है? मैं खेती किसानी करता हूँ, किसानी करता हूँ मैं। सपोजिंग आपका यदि ये बात गलत निकला कि और कहीं पे बैंक में है लॉकर है तो what will happen? बिल्कुल जांच करा लीजिए। ठीक है वैसे लिख देते हैं हम इनका स्टेटमेंट है ना, और अलमारी आपका जो भी इनका है जो भी है वॉट एवर मे बी इन साइड भिजवा दिया जाए सर। भिजवाए कौन भिजवाएगा उसको, आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। यू जस्ट टेल अस व्हाई इट टू बी वायबल, कैसा करे आना पड़ेगा मतलब ये पहुंचा दीजिए। हाँ पहुंचवा देंगे, वेयर शी विल गो, कहाँ जाएंगी? हाँ ठीक है भी, पहुंचवा देंगे। हाँ लदान करा दीजिए, करवा देंगे सर अलमारी को। लिखे अलग, कब से रह रहे हैं आप लोग? 2011 सर, दिसंबर। दी पार्टीज, बोथ दी पार्टीज हु आर प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट एडमिट दैट दे आर लिविंग सेपरेटली सिंस 2011 एंड आफ्टर दी एंड टू चाइल्ड वर बोर्न आउट ऑफ दी वेडलॉक, ऑलवेज दी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड एंड and draft of 35 lakhs in total. Go hand over to you. जी clear out करा लीजिए, करवा के दे दीजिए जी। बैंक ड्राफ्ट विच आर इन नंबर, कितने नंबर में है? इतने हैं, कितना टोटल है? टोटल पांच 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 सेवन चार हुआ सेवन सेवन 20 लाख एक पांच बीइंग हैंडेड ओवर टू द रेस्पोंडेंट वाइफ, रेस्पोंडेंट वाइफ ही एक्नॉलेजेस द सेम द अमाउंट ऑफ द सेटलमेंट व्हिच इज अराइव्ड एट इज रुपीज 35 लाख्स which is kept as it is. The keys are with her. He said keys are with her. बोले चाबी आपके पास है अलमारी की? नो सर, इट इज 11 ईयर बैक। अब ठीक है, मतलब सब मिशन आप उसको पहुंचा दीजिए, तोड़ लेंगे और क्या करेंगे। सब चीज छोड़कर आई थी सर। क्या लिखे? दीजिए ना उसको जी।
दैट फैक्ट में भी मेंशन माय लॉर्ड दैट डीडी ओरिजिनल्स आर हैंडेड ओवर, वो मेंशन नहीं हुआ. जो है आप इनका जो भी सामान है वो करेंगे भी क्या, वो उधर बैठाना.